मध्य प्रदेश के सीधी में हुए हादसे के बाद संपूर्ण मध्य प्रदेश में ओवरलोड वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्यवाही की गई। इसी क्रम में नीमच परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्यवाही करते हुए परमिट की शर्तों को लेकर 30 वाहन जब्त किए गए। साथ ही फरवरी माह में 25 लाख रुपए का शमन शुल्क भी वसूला गया। वहीं एक बस को जब्त कर उसका परमिट निरस्त करने की कार्यवाही भी की गई। विशेषकर ओवरलोडिंग को लेके एवं अवैध संचालन को लेके लगातार कार्रवाई की जा रही है और मेरे द्वारा फरवरी माह में ही लगभग 25 लाख रुपए का समन शुल्क वसूला गया। इसके अलावा 25 से 30 व्हीकल जब्त भी किए गए हैं। आज भी ओवरलोडिंग को लेके कार्रवाई की गई है। इसके अलावा परमिट के शर्तों को उल्लंघन करने को लेके कार्रवाई की गई और एक बस अभी जब्त भी की गई है मेरे द्वारा। बस के ऊपर ओवरलोडिंग को लेकर कार्रवाई की जाएगी एवं परमिट निरस्त करने को भी कार्रवाई की जाएगी। जिले में बहुत सारी गाड़ियां जैसे पुरानी भी चल रही है सर, तो इसकी सभी जगह भी हो रही है। मेरे द्वारा सिंगोली, जावद, मनासा में भी मैंने अभी कल ही कार्रवाई की है और इसके अलावा सिंगोली में मैंने कार्रवाई की थी, 4 बसें वहाँ अभी जब्त हैं। तो सभी जगह कार्रवाई की जा रही है।